हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दिस शुगर पॉप लॉन्ग वियर काजल। सो गाइस, मैं इसको यूज़ भी करके दिखाऊंगी, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बिल्कुल ही फ्री है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आपको बता दूं पहले कि शुगर पॉप के प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। अगर आप अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हो तो आप शुगर पॉप के मेकअप प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। सो अभी तक मैंने कोई भी शुगर पॉप का प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है एंड इस प्रोडक्ट को मैंने खुद से बाय किया है। तो मुझे एक शुगर पॉप का काजल को ट्राई करना था कि ये कैसा है और कैसा वर्क करता है। सो गाइस, इसको मैंने खुद से बाय किया था नियर बाय स्टोर। जी हाँ गाइस, ये काजल आपको नियर बाय स्टोर पे भी मिल जाएगा एंड ये काजल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, नायका, पर्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो इजिली डिस्काउंट में मिल जाएगा। सो गाइस, पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। पैकेजिंग आप देख सकते हो, बहुत कलरफुल पैकेजिंग है इसकी, बहुत सिंपल सी है एंड ये काजल काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो जैसे इसमें लिखा है शुगर पॉप लॉन्ग वियर काजल, ये लॉन्ग वियर काजल है 01 ब्लैक। मैंने इसमें 01 ब्लैक कलर लिया है। इसमें 2 शेड्स और अवेलेबल है, ब्राउन एंड ब्लू। इसमें 3 शेड्स आते हैं, मेरे पास ब्लैक है एंड सो गाइस, ये 16 आवर्स तक स्टे करता है जैसे इसमें लिखा है एंड ये स्मज प्रूफ है। ये काजल स्मज प्रूफ है, तो मैं इसको यूज भी करके दिखाऊंगी कि ये स्मज प्रूफ है या नहीं है। सो गाइस, इसमें लिखा है ये बोल्ड है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड वेलवेट फिनिश देता है ये काजल। सो लेट्स ट्राई कि ये सब जो लिखा है क्या ये रियल में ये सब है, ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है एंड इसका टेक्सचर है, बोल्ड है। तो अभी मैं आपके सामने इसको यूज भी करके दिखाऊंगी जैसे मैंने आपको कहा। एंड गाइस, ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है, इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, दैट्स गुड, जो बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं करेगा आईज पे। सो गाइस, जो इसकी MRP है 179 है, सच अफोर्डेबल, ये आपको इजिली डिस्काउंट में मिल जाएगा। एंड जो इसकी शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की है, दैट्स गुड, ठीक है। सो अगर आप अफोर्डेबल काजल देख रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग काजल देख रहे हो, स्मज प्रूफ काजल देख रहे हो, वाटर प्रूफ काजल देख रहे हो, तो आप इस काजल को ट्राई कर सकते हो। सो अब मैं इसको यूज भी करके दिखाती हूँ। सो पैकेजिंग देख सकते हो, पूरी इंस्ट्रक्शन इसके पीछे लिखी हुई है। ये इसकी बैक पैकेजिंग है एंड इसकी ये फ्रंट पैकेजिंग है। सो पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है एंड क्वालिटी ऑफ द पैकेजिंग इज सो नाइस। सो गाइस, इस रेंज में आपको पैकेजिंग इतनी अच्छी मिल रही है एंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी। अगर पैकेजिंग अच्छी है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी। चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। सो यहां से ओपन होता है टीयर हेयर। सो इसको मैं ओपन कर लूंगी अब। सो इस टाइप से ये ओपन होता है। लाइक दिस। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी इनर पैकेजिंग की बात करूंगी। इनर पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है एंड कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, स्काई ब्लू एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन में है एंड इसमें लिखा है शुगर पॉप एंड इस साइड लिखा है गाइस लॉन्ग वियर काजल 01 ब्लैक लुक, ठीक है गाइस। तो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी काजल की इस रेंज में एंड चलिए इसको ओपन करते हैं। सो कुछ इस टाइप का ये ओपन होगा, आप देख सकते हो इसमें बहुत ब्यूटीफुली कैप मिलेगी एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्रोडक्ट की इस रेंज में जैसे मैंने आपको कहा। एंड ये ट्विस्ट होता है गाइस यू ऐसे, तो आप देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट काफ़ी है इसमें। लुक क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट देख सकते हो कि आपको इस प्राइस में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट काफ़ी मिल रही है। सो आप देख सकते हो एकदम जेट ब्लैक कलर है इसका, बोल्ड ब्लैक कलर है। सो गाइस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी इस प्राइस में। सो आप देख सकते हो, सो ये ट्विस्ट होता है, इसमें आपको शॉर्पनर की नीड नहीं है।
सो आप इसको इजिली ट्विस्ट करके काजल को लगा सकते हो अपनी आईज पे, कोई भी लुक क्रिएट कर सकते हो अपनी आईज पे। सो गाइज सबसे पहले मैं इसको हैंड पे स्वैच करूंगी, फिर मैं अपनी आईज पे लगाऊंगी। तो पहले मैं अपने हैंड पे स्वैच कर रही हूँ। ओ माय गॉड, आप देखो एक स्वाइप में कलर मिल रहा है जिसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। बटर की तरह ये काजल चल रहा है, आप देख सकते हो। बस हल्का सा मैंने एक स्ट्रोक लगाया है एंड लुक। तो गाइस पिगमेंटेशन काफी अच्छी है इस काजल की एंड ये काजल बहुत क्रीमी है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है वेलवेट फिनिश, जी हाँ गाइस एकदम वेलवेट फिनिश ये देता है काजल एंड इट्स सो बटरी। एक स्वाइप में आपको कलर मिलता है, इसकी पिगमेंटेशन काफी अच्छी है एंड जैसे इसमें लिखा है ये बोल्ड है, जी हाँ गाइस जो ये कलर है एकदम बोल्ड है, जेड ब्लैक कलर। एज यू कैन सी एक स्वाइप में आप देख सकते हो कलर कितना बोल्ड है। सो गाइस अब मैं देखूंगी ये स्मश प्रूफ है या नहीं, या वाटर प्रूफ है या नहीं, लेकिन कलर काफी अच्छा है, जेड ब्लैक कलर है। इस रेंज में आपको कलर अमेजिंग मिल रहा है, बोल्ड ब्लैक कलर एंड अफोर्डेबल भी ये प्रोडक्ट है एंड कलर आप देख सकते हो। अब मैं देखूंगी ये स्मच प्रूफ होता है या नहीं। सो गाइस मैं 10 सेकंड तक रुक जाऊंगी, उसके बाद मैं टेस्ट करूंगी कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं है काजल, ठीक है। अगर आप कोई भी काजल को देखना चाहते हो कि वो स्मच प्रूफ है या नहीं है तो आप 10 सेकंड तक रुक जाया करो, उसके बाद ही टेस्ट करो कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं है। सो गाइस मैं 10 सेकंड के बाद ही टेस्ट करूंगी कि ये स्मच प्रूफ है या नहीं है, तो मैं 10 सेकंड वेट करूंगी, ठीक है। सो गाइस 10 सेकंड्स हो गए हैं, अब मैं देखती हूँ ये स्मच प्रूफ है या नहीं है, ठीक है। तो मैं फिंगर की हेल्प से इसको टेस्ट करूंगी। सो गाइस ये बिल्कुल भी स्मच नहीं हो रहा है काजल एंड आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये काजल नहीं स्मच हो रहा। सी तो ये स्मच प्रूफ काजल है, बिल्कुल भी स्मच नहीं हुआ है, आपके सामने ही मैंने टेस्ट किया है, ठीक है। जो इसमें लिखा है ये स्मच प्रूफ काजल है, जी हाँ गाइस ये बिल्कुल स्मच प्रूफ काजल है, तो दैट्स गुड। आप देख सकते हो कलर वही का वही है, बिल्कुल भी स्मच नहीं हुआ है। सी ठीक है एंड चलिए गाइस अब जो इसमें लिखा है ये वाटर प्रूफ है वो भी टेस्ट कर लेते कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है। सो गाइस इसमें है वाटर, अब मैं टेस्ट करूंगी ये काजल वाटरप्रूफ है या नहीं है, ठीक है। सो अब मैं इस काजल के ऊपर वाटर डाल रही हूं। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल भी सी गाइस मैंने इतना वाटर डाला है ये बिल्कुल भी हटा नहीं है। सो ये वाटर प्रूफ है, मैं इसको आपके सामने ऐसे रब भी करके देख लेती हूँ। सी गाइस सो गाइस ये वाटर प्रूफ काजल है, इतना वाटर गिराया है ये बिल्कुल भी हटा नहीं है, तो दिस काजल इज वाटर प्रूफ। तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस काजल को जरूर ट्राई करो शुगर पॉप एंड ये काजल बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इसका कलर बहुत अमेजिंग है, जेड ब्लैक कलर आपको मिलता है। अगर आप अफोर्डेबल काजल देखना चाहते हो लॉन्ग लास्टिंग एंड उसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी हो, वाटर प्रूफ भी हो, स्मच प्रूफ भी हो, तो आप इस काजल को जरूर ट्राई करो शुगर पॉप का। काफी अच्छा काजल लगा मुझे शुगर पॉप का। चलिए मैं आप इसको अपनी आईज पे भी लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। सो गाइज आप इस साइज पे देख सकते हैं कि मैंने इस साइज पे काजल लगाया है एंड इस साइज पे मैंने अभी काजल नहीं लगाया है, तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हो इस साइज पे एंड इस साइज पे। बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है काजल की, एकदम क्रीमी है, वेलवेट फिनिश देता है ये काजल एंड एक स्वाइप में आपको कलर मिलता है रिच ब्लैक कलर। एज यू कैन सी कि
इस साइज में आप देख सकते हैं एंड इस साइज में देख सकते हैं, डिफरेंस देखो बहुत बिग डिफरेंस आपको दिखेगा। मैं थोड़ा क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ, लुक चलिए मैं दूसरी आइस पर भी लगा लेती हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने दूसरी आइस पर भी काजल लगा लिया है एंड मुझे अपनी आइस बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। आप बिफोर देख सकते हो एंड आफ्टर देख सकते हो, तो हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस काजल को जरूर ट्राई करो। ये काफी अच्छा काजल है एंड काफी अफोर्डेबल काजल है। जैसे गाइस कई काजल होते हैं जिनके कलर अच्छे नहीं होते एंड उनकी पिगमेंटेशन अच्छी नहीं होती, बट इस काजल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस इसका बहुत अच्छा है एंड इसकी इस काजल की पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। एक स्वाइप में आपको कलर मिलता है, बटर की तरह ये काजल चलता है, बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वेलवेट फिनिश आपको देता है। तो पैकेजिंग एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी मुझे तीनों अच्छी लगी इस प्रोडक्ट की एंड प्राइस भी काफी अच्छा है। सो गाइस इस प्राइस में आपको बहुत अच्छा काजल मिल रहा है जो बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। तो जरूर आप इस काजल को ट्राई करो, ये काफी अच्छा काजल है। मुझे पर्सनली ये काजल काफी अच्छा लगा है, तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लेना। सो गाइस ये था मेरा छोटा सा रिव्यू एंड डेमो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।